सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का इस ध्यान साधना के कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम इस ध्यान साधना की शुरुआत थोड़ी देर शांत बैठकर करने वाले हैं। आप सभी लोगों और उसके पश्चात हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। और त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद हम लोग ध्यान साधना कार्यशाला की शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी सभी से गुजारिश है कि हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठने का प्रयास करेंगे, अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। इस ध्यान साधना कार्यशाला में आप सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, तो हमारे मन में जो भी बाहरी दुनिया के विचार होंगे उसे हम बाहर ही रखने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 हम पूरी तरह से शरीर और मन से इस ध्यान साधना की कार्यशाला में पूरी तरह से सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि जूम पर हमारा आधा मन जूम पर होता है और आधा हम घर में क्या चल रहा है, घर में ऐसा चल रहा है, घर में वैसा चल रहा है, वहां रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से स्थिर होने का हम प्रयास करेंगे। श्वास की ओर अपना ध्यान लेकर जाइए। थोड़ी देर शांत बैठने का प्रयास करेंगे। हमारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे। त्रिशरण पंचशील आप सभी लोगों को साथ में त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं
गच्छामि पतियम्पि संघं शरणं गच्छामि आनातिपाता वेरमणि शिखापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादियामि आमे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि सुरामेरय मच अमादठाना वेरमणि शिखापदं समादियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील हमें साथ में ही कहना है। वैसे तो पीछे कहते हैं, पहले मैं कहता हूँ, बाद में सभी लोग कहते हैं, लेकिन जूम पर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम एक साथ कहेंगे। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सतता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रख कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। तो फिर से एक बार आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। इस ध्यान साधना की कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अच्छी संख्या है इस ध्यान साधना की कार्यशाला में सम्मिलित होने का। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग प्रवचन या लेक्चर सुनने के लिए लोग बड़ी मात्रा में गर्दी करते हैं, बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान साधना का विषय आता है तो करीबन लोग बहुत कम मात्रा में रुचि लेते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग धीरे धीरे ध्यान साधना में भी रुचि ले रहे हैं। आप सभी को, सभी का ये अपना अनुभव है कि अभी फिर से लॉकडाउन होने की संभावना है। अभी फिर से आज नागपुर में कर्फ्यू था, कल भी कर्फ्यू रहने वाला है। तो हम जब लॉकडाउन होते हैं, हमारे घर में कैद होते हैं, और ये अच्छी बात है कि जब हम हमारे घर में कैद होते हैं, लॉकडाउन होते हैं, तो हमारे लिए स्वयं को देखने का एक मौका मिलता है। बाकी समय में तो हम बहुत ही व्यस्त होते हैं बाहरी दुनिया में, और ज्यादातर बाहरी दुनिया में व्यस्त होने के कारण हमें बहुत कम मौका मिलता है कि हम अपने आप को देख सके। स्वयं अपने शरीर के साथ मन होता है, तो मन को देखने का मौका हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की दुनिया में व्यस्त होते हैं।
घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, किराना लाना है, इनसे मिलना है, मम्मी को मिलना है, पापा को मिलना है, वगैरह 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 वगैरह, हमारे एक के बाद एक काम लगे रहते हैं और कैसा समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और लेकिन शरीर के साथ मुझे मन है, इस मन को देखने के लिए हमें मौका नहीं मिलता भाइयों और बहनों। लेकिन जब ऐसा मौका निर्माण होता है, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कि हम हमारे घर में कैद हो जाते हैं, जैसे कि हम कभी बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद हम बेड के ऊपर लेटे होते हैं, अस्पताल में लेटे होंगे बीमार होने के कारण या घर में लेटे होंगे बीमार होने के कारण, भाइयों और बहनों ध्यान में रखिए, उस समय हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं। लेकिन उस वक्त जब मौका होता है तब हमारे मन को हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते, मन को हम समझ नहीं पाते, मन की जागृति हमारी इतनी कम होती है कि जिसके वजह से मन को देखना हमारे लिए काफी तकलीफदायक होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मन में अनेक विचार आते हैं जाते हैं, उसमें नकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, और हमें इन विचारों को जो मन में आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, अगर आप ज्यादा नकारात्मक सोचते हो तो ज्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, और ऐसे विचारों को देखना हमारे लिए तकलीफदायक होता है, खासतौर पर पीड़ादायक होता है, खासतौर पर बीमार जब हम होते हैं और हम हमारे बेड पर लेटे होते हैं, उस समय फिर भूतकाल के विचार आते हैं। भूतकाल में हमने अगर कुछ कर्म किया होगा, गलत कर्म किया होगा, तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं, हमें पश्चाताप होता है, हमें हमने क्या गलती की है, वे विचार हमारे मन में आते हैं। और लेकिन हमें इसका सराव अभ्यास, इन विचारों के साथ कैसे कार्य करना चाहिए, यह अभ्यास हमारा न होने के कारण हम ज्यादातर लोग दुखी दिखाई देते हैं, ज्यादातर लोग पीड़ा में दिखाई देते हैं, और वे सोचते हैं कि कब मेरी छुट्टी हो जाए। अभी भी लोग लॉकडाउन में हैं, लोग सोचते हैं कि कब यह लॉकडाउन खत्म हो जाए और मैं बाहर चले जाए। लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, अंदर से अस्वस्थ हो जाते हैं, लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में चल रहे विचारों को देखने की हमारी क्षमता नहीं होती है। क्या कहा मैंने? मन में चल रहे विचारों को देखने की, उसे समझने की हमारे में क्षमता नहीं होती है। हमारे में मन की जागृति का अभाव होने के कारण हम अस्वस्थ होते हैं, हम बोर हो जाते हैं। मन की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इस मन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए हमें मन की जागृति रहना आवश्यक है। अगर हम जागरूक है तो हम मन को देख सकते हैं, मन को पढ़ सकते हैं, मन को समझ सकते हैं और मन का आनंद ले सकते हैं। भलाई आप लॉकडाउन में रहे, भलाई आप घर में कैद रहे, लेकिन हम मन का आनंद ले सकते हैं अगर हमारे हमें मन की जागृति रहती है। लेकिन हम ध्यान साधना हमारी न होने के कारण, ध्यान साधना हमने सीखा नहीं, न सीखने के कारण मन को कैसे देखना, मन की जागृति का अभ्यास न होने के कारण हम मन का आनंद नहीं ले सकते, तो हम ज्यादातर हमारा समय बाहरी दुनिया में चला जाता है। तो भाइयों और बहनों याद रहे कि यह समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली है, वो स्वयं अपने आप में लॉकडाउन होने वाला है, कभी घर में कैद होने वाला है, बीमार के वजह से वो कैद होने वाला है। हाँ, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जब हम लॉकडाउन होते हैं तो हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से हमारा वास्ता टूट जाता है, तो हम मन की ओर देखने का प्रयास करते हैं। बीमार होते तब हमारा बाहरी दुनिया का वास्ता हमारा टूट जाता है पूरी तरह से, और हम हमारे मन के संपर्क में आते और तब हम अस्वस्थ होते हैं। अगर जिसे ध्यान का अभ्यास है, मन की जागृति है, मन को कैसे देखना चाहिए, यह अभ्यास जिस व्यक्ति का है वह व्यक्ति मन का आनंद लेता है। भाई और बहनों, और जब हमारी मृत्यु होती है तो यह सोचने की बात है, थोड़ा सा हम चिंतन कर सकते हैं कि मृत्यु के वक्त हम पूरी तरह से हमारा भौतिक जीवन का वास्ता टूट जाता है, हम पूरी तरह से हम शरीर हमारा मृतवत हो जाता है। शरीर के साथ साथ हमारे जो पंच इंद्रिय है, चक्षु है, हम शरीर से स्पर्श करते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये सारे जो पांच इंद्रिय है वे भी शरीर के साथ मृतवत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अंत में क्या बचता है, बौद्ध धर्म में उसे कहते हैं मन, उसे कहते हैं चेतना। और यह चेतना क्या है, यही हम ध्यान साधना के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, मन को देखने का प्रयास करते हैं, उस जागृति, मन की जागृति हम निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिस मन की जागृति के साथ हमें मृत्यु के पश्चात इस जागृति का हमें बहुत लाभ हो सकता है। अभी मुझे तो पता नहीं है मृत्यु के बाद क्या होता है, और मैंने अपने आप को यह अनुभव मैंने कभी लिया नहीं कि मृत्यु के पश्चात क्या क्या होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ध्यान साधक है, आचार्य है, बौद्ध गुरु है, उन्होंने लिखा है कि मृत्यु के बाद अगर हमारे मन के जागृति का अभ्यास अगर अच्छा है, हमारी जागृति अगर बहुत अच्छी है मन को देखने की, तो हम मृत्यु के बाद में भी जो भी यात्रा चालू होती है, यात्रा सफर यू कह सकते हैं कि हम मन की दुनिया का हम सफर करते हैं, मन की दुनिया का हम यात्रा का प्रारंभ करते हैं मृत्यु के पश्चात। भाई और बहनों, यहां याद रखिए, यह सत्य है, हर व्यक्ति यह मृत्यु का सामना करने वाला है, आज नहीं तो कल। क्या हम चाहते हैं कि इस मृत्यु का सामना भयभीत होकर करें, डर कर करें? कई लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय शांत नहीं होते हैं, अंदर से डरे हुए होते हैं, अंदर से भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि मेरे पंच इंद्रिय अगर मैं छोड़ देता हूं, यह शरीर अगर मैं छोड़ देता हूं, तो मैंने आगे की यात्रा क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इस बात का हमें अंदाजा नहीं होता, इसकी हमें जागृति नहीं होती। उसके कारण वे लोग अंदर से भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं। लेकिन ध्यान साधना का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग का अगर हम अभ्यास करते हैं तो जीवित है इस दुनिया में, हम हर रोज जीवन जीते हैं, तो इस ध्यान साधना का मार्ग का अनुसरण करने से तो हमें इस दुनिया में लाभ तो होता ही है, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी जो दुनिया होती है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा ऐसी है कि मृत्यु के पश्चात भी वहां पे सातत्य है, और वह जो यात्रा है, जो मन की दुनिया की यात्रा है, वह यात्रा करने के लिए भी इस ध्यान साधना साधना का अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमें इसका लाभ मृत्यु के पश्चात भी मिल सकता है, मिलता है।
मिल सकता नहीं, मिलता है। मृत्यु के वक्त भी ध्यान साधना का लाभ हमें मिलता है। भाइयों और बहनों, अगर हम सही में इस बात को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम गंभीर हो सकते हैं और ध्यान साधना को गंभीर ले सकते हैं, और ध्यान साधना यह मार्ग का अभ्यास करके, सराव करके, हम इस दुनिया में भी आनंदित जीवन जी सकते हैं और मृत्यु के पश्चात भी जो दुनिया होंगी, मन की दुनिया होंगी, वहां पे भी हमें इसका लाभ मिल सकता है। तो हमने पिछले ध्यान साधना की कार्यशाला में आनापानसति यह ध्यान साधना हमने सीखी है, और आनापानसति इस ध्यान साधना के माध्यम से सबसे पहले हमने सीखा है कि हमारे मन को स्थिर कैसे करना चाहिए, हमारे मन को शांत कैसे करना चाहिए, हमारे मन की एकाग्रता साध्य करने के लिए, एकाग्रता का विकास करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हम पिछले ध्यान साधना की कार्यशाला में आनापानसति इस ध्यान साधना का अभ्यास किया। उस ध्यान साधना से हम हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते, मन की स्थिरता प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे मन में अनेक विचार उभरते हैं, आते हैं और जाते हैं, और उस विचारों के कारण हमारा मन भटकते रहता है विचारों के साथ, और हम अजागृत होते हैं। और आनापानसति ध्यान साधना के माध्यम से हम विचारों के साथ भटकना बंद कर देते हैं। विचारों के साथ भटकना बंद करने के वजह से हमारी जो आदत होती है, जो हमारा मन विचलित होता है, हम भलाई यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन बंबई के बारे में सोचेगा, हमारा मन किसी और चीज के बारे में सोचेगा, और यहाँ वहां भटकते रहता है, और स्थिर और शांत न होने के कारण हमारे मन में चल रहे विचारों को हम देख नहीं सकते, और विचारों के ऊपर कार्य कैसा करना चाहिए यह भी हम कर नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमारे मन को शांत करना, स्थिर करना, उसे एकाग्र करना जरूरी है। जब तक हम इसे शांत, स्थिर या एकाग्र नहीं करते, तब तक हम हमारे मन की जागृति को नहीं बढ़ा सकते, मन की दुनिया को हम समझ नहीं सकते। तो भाई और बहनों, आनापानसति इस ध्यान साधना के माध्यम से हमने मन की एकाग्रता साध्य करने का प्रयास किया, मन की स्थिरता साध्य करने का हमने प्रयास किया। लेकिन यह एकाग्रता, यह स्थिरता हमारे लिए लाभदायक रहती है, लेकिन वह एकाग्रता खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, उसके स्वयं के लिए भी खतरनाक हो सकती है, डेंजर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस एकाग्रता का उपयोग, इसका इस्तेमाल वह गलत कार्य करने के लिए भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति एकाग्रता, क्योंकि चोरी करने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। क्या कहा यहाँ पे मैंने? चोरी करने के लिए भी एकाग्रता होनी आवश्यक होती है। चोरी करने के लिए भी अगर जिसका मन अस्थिर है, मन इधर उधर भटकता है, विचलित होता है, तो वो सही ढंग से चोरी करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। उसे पुलिस दबोच सकती है और वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसे चोरी करना है उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उसी तरह से दुनिया में ऐसे बहुत गलत कार्य है, अकुशल कर्म है, अकुशल कार्य है, पाप कर्म है, जो करने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और हम
अगर इस गलत कार्य करने के पीछे अगर जाते हैं, अकुशल कर्म अगर हम करते हैं, तो इसका फल हमें दुखदायक ही मिलने वाला है और दुख और समस्याएं हमारे जीवन में और भी बढ़ेगी। हम भी तकलीफ में जाएंगे और हमारे परिवार को भी हम तकलीफ में लेके जाते हैं और हमारे सभी सगी संबंधी होते हैं उन्हें भी पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि हम एकाग्रता का उपयोग गलत कार्य करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आनापान सति के ध्यान साधना के साथ इस एकाग्रता का उपयोग, इस एकाग्रता का, स्थिरता का, शांत मन का इस्तेमाल, एकाग्रता का इस्तेमाल सकारात्मक मन विकास करने के लिए, सकारात्मक कुशल मनोवस्था निर्माण करने के लिए मेत्ता भावना, यह ध्यान साधना बौद्ध धर्म में सिखाई जाती है। मैत्री का विकास करना, यह ध्यान साधना आनापानसति के साथ साथ सिखाई जाती है। इसलिए आनापानसति के साथ साथ मेत्ता भावना को भी मूलभूत ध्यान की बौद्ध धर्म में दो पद्धतियां कहते हैं, और हम इस दो ध्यान साधना के पद्धतियों के माध्यम से हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अंतिम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, मन का हम आनंद ले सकते हैं, मन को हम शांति का अनुभव ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, यह मेत्ता भावना ध्यान साधना आज हम इस ध्यान साधना कार्यशाला में सीखने का प्रयास करेंगे और उसके साथ ही साथ हम उसका अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे। तो इस मेत्ता भावना यह ध्यान साधना 5 चरण में करते हैं। कितने चरण में करते हैं? 5 चरण में करते हैं। एक्चुअली यह मेत्ता भावना यानी मैत्री का विकास करना। मैत्री यानी क्या? जब हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसे मुझे मन है, एक मनुष्य करके शरीर के साथ मुझे मन है, उसी तरह से जो अगला व्यक्ति है, चाहे वो व्यक्ति वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो व्यक्ति किसी समाज का हो, चाहे वो व्यक्ति किसी धर्म का हो, चाहे वो व्यक्ति काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, ऐसा हर व्यक्ति है, हर किसी को मन है। और जब हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरों के शरीर के साथ साथ उसके मन के भी संपर्क में आते हैं। भाई और बहनों, देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है जब हमारे मन की जागृति विकसित होती है, साथ ही साथ दूसरों के मन की जागृति भी विकसित, हम जागृति भी दूसरे के मन के, मन को भी हम हमारा जो जुड़ाव है दूसरों के मन के साथ भी जुड़ता है। तो हम दूसरों को भी देखते हैं कि जैसे मुझे मन है वैसे उसे भी मन है, जैसे मुझे पीड़ा होती है मुझे दुख होता है, उसी तरह से उसे भी पीड़ा होती है उसे भी दुख होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने सुखी होना चाहिए, मैंने आनंदित होना चाहिए, तो हम मनुष्य करके जब दूसरे मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो हमारे मन में सद्भावना निर्माण होती है, हमारे मन में दूसरों के प्रति कल्याण का भाव निर्माण होता है। और यही मैत्री का भाव, दूसरे के प्रति कल्याण का जो भाव होता है, वह विकसित करना अने मेत्ता भावना है। जैसे कि एखादी माता अपने बच्चों से जितना उसका लगाव होता है, यू कह सकते हैं कि उस माता का लगाव अपने बच्चों से इतना ज्यादा होता है कि उसकी उनके उस माता के बच्चे मतलब
उस माता की पूरी दुनिया होती है, और बच्चों के भलाई के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए उसे जो भी करना होता है उसके लिए अपना तन मन धन लुटाती है और उसे मदद करने का वह प्रयास करती है, उसके कल्याण के लिए वह अपने आप को समर्पित करते हैं। भाई और बहनों, यह प्यार, यह सद्भावना जैसे एक माता का अपने बच्चों के साथ होता है, उसी प्रकार से यह प्यार, यह सद्भावना, यह मैत्री सभी सजीव सृष्टि के प्रति, चाहे वह हमारा परिवार रहे, चाहे वह हमारा दूसरा परिवार रहे, चाहे वह दूसरे जाति के लोग रहे, चाहे वह दूसरे देश के लोग रहे, सभी सजीव प्राणियों के प्रति उसी प्रकार की मैत्री का विकास करना, मतलब मित्रता भावना है। तो भगवान बुद्ध की मैत्री इस प्रकार की है, महामैत्री, महाकरुणा के महाकरुणावान, ऐसे भगवान बुद्ध को कहा जाता है। जिस तरह से एक माता अपने बच्चों के ऊपर अपनी मैत्री करती है, बच्चों से जो उनका लगाव होता है, उसी तरह से बुद्ध का भी लगाव सभी सजीव सृष्टि, सजीव प्राणियों के साथ बुद्ध का भी उसी प्रकार का लगाव, उसी प्रकार की मैत्री बुद्ध की होती है। इसलिए बुद्ध को महामैत्रीवान, महाकरुणावान कहा गया है। और इस मैत्री भावना के ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने आप को विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, हम हमारी जो मैत्री संकुचित होती है, केवल बच्चों के प्रति होती है, परिवार के प्रति होती है, वो धीरे 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 हम विकसित करके सभी सजीव प्राणियों के प्रति हमारे मैत्री का हम विकास करते हैं और सकारात्मक सोच निर्माण करने की प्रयास करते हैं, सकारात्मक विचार निर्माण करने का हम प्रयास करते हैं। हर बार हमारा मन नकारात्मक सोचने का प्रयास करता है, हमारी एक आदत हो जाती है, हम नकारात्मक सोचते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि आज सुबह हो गई, लोग कहते हैं सुबह तो हो गई है लेकिन आज का दिन मेरा मनहूस है। क्यों मनहूस है? क्योंकि आज मैंने बाजू वाले व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे मैं पसंद नहीं करता, और उसका चेहरा देखने की वजह से हम क्या कहते हैं, आज का दिन मनहूस है। दोपहर हो रही है, कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है। ऑफिस में भी हमें लगता है क्या ऑफिस जाना है, वही ऑफिस, ऑफिस के लोग, खासतौर पे बॉस के साथ हमारी घृणा होती है, हमारे ऊपर जो भी कार्य काम करने वाले होते हैं उनके प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं होता है और हम नकारात्मक सोचते हैं, ऑफिस में जाके क्या होने वाला है, वही होने वाला है, और हम इतने उत्साहित नहीं होते, आनंदित नहीं होते और सोचते रहते कि आज ऑफिस में क्या ऐसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है, और हम कभी भी सकारात्मक हमारी सोच नहीं होती है। इसी प्रकार से हम नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच में हमारा अगर जीवन बिताते हैं तो हम कभी भी खुशी और आनंद का अनुभव नहीं ले सकते। तो इस नकारात्मक सोच को, जिसे कहते हैं निगेटिव थिंकिंग, को हमें परिवर्तित करना है सकारात्मक सोच में, सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग में। अभी बहुत सारा चल रहा है, ऐसे कहते हैं बी पॉजिटिव। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, काफी सारे समस्या है, जॉब छूट गई है, लोगों की जॉब नहीं है, जो लोग जॉब पर है उनका उनका उनकी सैलरी में कट हो गया है, आर्थिकता का सारी आर्थिकता के समस्याओं का सारे लोग सामना कर रहे हैं, और उसके कारण मन नकारात्मक हो जाता है। मन क्या करता है, नकारात्मक सोचता है, मेरी सैलरी कट हो गई है, मेरी मुझे सैलरी कम मिली है, मेरा जॉब छूट गया है, फिर ये सरकार ऐसी है, फिर ये लोग वैसे है, वो लोग वैसे है, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, मुझे जानबूझकर पीड़ा दी जा रही है, मुझे जानबूझकर मुझे नकारा जा रहा है,
मुझे अपमानित कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो नकारात्मकता की विचार और सोच की श्रृंखला मन में निर्माण हो जाती है और वह खत्म नहीं होती है। भाई और बहनों, ऐसा जब नकारात्मक सोच, नकारात्मक मन ऐसे विचारों में बहते जाता है तो इसका असर शरीर पे भी होता है। शरीर में डायबिटीज निर्माण हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है नकारात्मक सोचने के कारण, और उसी में हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, जिसे आजकल कहते हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब आपको पता है, अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी शारीरिक क्षमता अगर कम हो जाती है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होता है, या हमारे और भी बीमारियां हो सकती है अगर वो कंट्रोल में नहीं होती है, और ये सारा नकारात्मक सोच का परिणाम होता है, तो कोरोना क्या करता है? अटैक करता है। तो ऐसा कहते हैं कि कोरोना का अटैक उसी व्यक्ति के ऊपर होता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, वह पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, और यह सारी बीमारियां मन से जुड़ी हुई होती है। जितना हमारा मन नकारात्मक होगा, उतनी हमारी पुरानी बीमारियां जो निर्माण हुई है, वो बीमारी और भी गहरी हो जाती है, और हमारी हमारी जो इम्यूनिटी है, शारीरिक क्षमता है, जो कोरोना जैसे वायरस, फ्लू वायरल, इससे लड़ने के लिए सक्षम होने चाहिए, वह क्षमता हमारे में नहीं होती है। यह क्षमता निर्माण करने का एक ही उपाय है, और वह है हमारे सकारात्मक सोच की निर्मिति करना। और भी बहुत सारे उपाय है, डॉक्टर आपको बताएंगे, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, और विटामिन ए लेना चाहिए, ये फल खाना चाहिए, आजकल सप्लीमेंट्री लोग खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मन को भी विटामिन की आवश्यकता है, मन को भी विटामिन की आवश्यकता है। और यह विटामिन कौन सा है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, सकारात्मक मनोवस्था की निर्मिति करना, मतलब मैत्री का विकास करना, दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोचना, केवल दूसरों के ही नहीं तो स्वयं के हित के बारे में भी सोचना, यह मैत्री में अंतर्भूत है। तो भाई और बहनों, चले हम मेत्ता भावना इस ध्यान साधना को समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले चरण में ध्यान साधना के पहले चरण में, मेत्ता भावना के पहले चरण में, हम हमारे स्वयं के ऊपर मैत्री भावना करने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे स्वयं के बारे में भी हमारे में नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक विचार होते हैं। मैं ऐसी हूं, मैं बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकती। खासतौर पे लोग नकारात्मक सोच निर्माण करते हैं कि मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, मैं बुद्धू हूं, क्योंकि बाहर के लोग आपको क्या करते हैं, लेबल लगाते हैं, बराबर है। आप अगर नाटे होंगे तो आपको लगता है कि नहीं, मैं नाटा हूं, इसका हमें दुख होता है, और हमारे मन में वह चिपक जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और हम हमारे बारे में नकारात्मक हो जाते हैं। हमारे स्वयं के बारे में हमारी सकारात्मक सोच निर्माण करना आवश्यक है। सारे व्यक्तियों में खामियां होती है, सारे व्यक्तियों में उनकी अपनी अपनी स्वयं की क्षमता होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिस व्यक्तियों में खामियां नहीं होती है। कोई लंबा होगा तो कोई नाटा होगा, कोई काला होगा तो कोई गोरा होगा, लेकिन गोरे के साथ साथ और भी उसमें खामियां रह सकती हैं। खामियां, कमियां रहना और क्षमता रहना, उसी से इंसान बनता है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम हमारे खामियों के साथ ही
हमारा जुड़ाव ज्यादा रखते हैं तो हमारे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है तो हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जो भी करियर करना चाहते हैं, उसमें हमें यश प्राप्त नहीं होता। तो इस समय हमने हमारे अंदर की जो खूबियां होती है, जो भी हमारे अंदर की सकारात्मक बातें होती है, जो हमारे स्वयं की मजबूतियां होती है, उसे देखने का हम प्रयास करते हैं मेत्ता भावना के पहले चरण में। और फिर हमारे ऊपर हम मैत्री का भाव विकास करते स्वयं के प्रति, मेरे में ये क्षमताएं है, और फिर हम हमारे ऊपर मेत्ता भावना करते और कुछ शब्दों का, वाक्यों का हम उपयोग करते। भाइयों और बहनों, यहाँ पे शब्द और जो भी हम वाक्य बनाते हैं स्वयं के बारे में, और हम मैत्री का भाव विकसित करते हैं, मैत्री का विकास करते हैं, यह शब्द हमारे मन के ऊपर काफी असर होता है। ऐसा कहते हैं मन बहुत संवेदनशील होता है, संवेदनशील सेंसिटिव होता है, माइंड इज वेरी सेंसिटिव। उसके ऊपर शब्दों का काफी भारी मात्रा में असर होता है, खासतौर पर अगर हमें अगर कोई गाली देता है और हमारी कमियां निकालता है तो हमारा चेहरा गुस्से से लाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन संवेदनशील है, टची है, और जो भी हमारे बारे में गलत उच्चार किसी व्यक्ति ने किया है उसका सीधा असर हमारे मन पे होता है और हम गुस्से से लाल हो जाते हैं, और कभी कभी तो किसी का ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारे बारे में कोई सकारात्मक बोलता है, हमारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, तो हमारा मन आनंदित होता है, खुश होता है, और हमें अंदर से गहराई से हमें अच्छा लगता है। तो इस पहले चरण में हम उसी प्रकार से हमारे स्वयं के अच्छाइयों को, सकारात्मक जो भी बातें हमारे में होती है, क्षमताएं होती है, खूबियां होती है, उसे देखने का प्रयास करते हैं और स्वयं के ऊपर मैत्री करने का प्रयास करते हैं। हम आंखें बंद करते हैं, हमारा स्वयं का प्रसन्न चेहरा हमारे मन के मन पटल पर लाने का प्रयास करते हैं। आप कंघी करते होंगे, आईने में अपना चेहरा देखते होंगे, सुंदर चेहरा। ऑफकोर्स सबका चेहरा अपना सुंदर होता है, जब सभी व्यक्ति हंसते हैं तो जब हम हंसते हमारे में बहुत अच्छी स्माइल होती है तो हर व्यक्ति सुंदर दिखता है। ये भाइयों और बहनों, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत गोरी है, गोरा है, बहुत अच्छे वे दिखता है, क्या अच्छा दिखता है या अच्छी दिखती है, अगर वो गुस्से से लाल है तो वो शैतान दिखता है। क्या दिखता है? शैतान दिखता है, राक्षस दिखता है। ऐसे अगर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी तो बहुत ही कुरूप दिखता है वो, उसमें वो मनुष्यता का भाव दिखाई नहीं देता और सुंदरता का भाव दिखाई नहीं देता। भाइयों और बहनों, लेकिन अगर सुंदर अगर स्माइल होती है, अच्छी स्माइल अगर हम हमारी देखते हैं तो उसमें सुंदरता दिखाई देती है, और वह सुंदरता, वो सुंदर चेहरा हमारा हमारे मन पटल पर हम लाते हैं स्वयं का चेहरा, और हम मैत्री का भाव विकसित करते हैं। मैं सुखी हूं, मैं आनंदित रहूं, मेरा विकास हो, मेरी प्रगति हो, मुझे यश प्राप्त हो, मेरे में जो भी सकारात्मक गुण है उसका विकास हो, उसमें प्रगति हो,
इस प्रकार से हम आंखें बंद करके स्वयं के ऊपर मैत्री का भाव हम विकसित करते हैं। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर, हमारा स्वयं का चेहरा हम देखते हैं। तो यह हो गया मेत्ता भावना का पहला चरण, पहली पायरी, पहला चरण। यह हम 5 मिनट के लिए करेंगे। फिर आपको दूसरे चरण में जाना है। मैं बेल का संकेत करूंगा और बेल का संकेत होने के बाद दूसरे चरण में हमने जो व्यक्ति हमें प्रिय लगता है, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा नजदीक का मित्र है, जिसके साथ हमारी घनिष्ठता है, तो महिलाएं जो होती है उन्होंने महिला मित्र चुनना है, पुरुषों ने क्या करना है? पुरुष मित्र चुनना है। यहाँ पे ध्यान रहे, क्योंकि अगर पुरुष मित्र ने अगर महिला मित्र अगर चुनते हैं तो तृष्णा का भाव निर्माण हो सकता है, कामचंद का भाव निर्माण हो सकता है, पोलराइजेशन निर्माण हो सकता है, हमारी मनोवस्था अभी उतनी ऊंची नहीं है। इसलिए यह ध्यान साधना करते वक्त यह कहा गया है कि पुरुष ने पुरुष मित्र को ही दूसरे चरण में लेना है, महिलाओं ने अपनी अच्छी सहेली जो होगी, जिसे वह चाहती है, जिसके सामने वह अपना खुला संपर्क करती है, अपना मन खुला करती है, सुख दुख बांटती है, जिसके साथ हमारा लगाव है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा, सुंदर चेहरा, अच्छी सुंदर स्माइल दे रहा है, ऐसा चेहरा हमारे मन पटल पर ला सकते हैं और हम उनके प्रति मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा विकास हो, मेरी प्रगति हो, मैं सुखी हो, उसी तरह से मेरा प्रिय दोस्त, मेरा मित्र, उसकी भी प्रगति हो, वो भी सुखी हो, वो भी आनंद, वो भी मन का आनंद ले और उसके भी जीवन में यश प्राप्त हो, उसके अंदर में भी बहुत अच्छी अच्छी सकारात्मक क्वालिटियां है, सकारात्मक गुण है, उसे देखने का आप प्रयास कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, उसमें काफी अच्छी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल होगा, तो हम उसे भी देख सकते हैं और उसका विकास हो, दोस्त की प्रगति हो, इस प्रकार से हम दूसरे चरण में मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में हमें याद रखना है कि हमारा मैत्री का भाव केवल स्वयं तक ही सीमित न रखते हुए, केवल मित्र के प्रति हमारा मैत्री का भाव सीमित न रखते हुए, हम आगे धीरे धीरे इस मैत्री के विकास की, यूं कह सकते हैं, इस विकास की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उस मैत्री के विकास की सीमा को बड़ा करने का प्रयास करते हैं, अमर्याद मैत्री की ओर, महामैत्री की ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तीसरे चरण में हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि जो व्यक्ति हमारे लिए त्रयस्थ है, न्यूट्रल है, ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके साथ हमारा लगाव नहीं होता है, हम उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। उदाहरण के तौर पे आपके घर में पेपर वाला पेपर देने आता होगा, रोज आप उसे देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप उसे देखते हैं। हो सकता है वह दूध वाला होगा, हो सकता है वह आपके बस्ती का कोई व्यक्ति होगा, दुकानदार होगा, जो त्रयस्थ है, जिसके बारे में हमारे मन में त्रयस्थ का भाव है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा, स्मित चेहरा हमारे मन पटल पर रह सकते हैं और उसके प्रति मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं। हम जनरली ऐसे व्यक्ति के प्रति हम ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा सोचते है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन ध्यान साधना में मैत्ता भावना जानबूझकर कहती है कि ऐसे भी व्यक्ति के बारे में मन में मैत्री का भाव विकसित करे, सकारात्मक भाव निर्माण करे, तो हम उस त्रयस्थ व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव विकास करते, वो भी सुखी रहे,
आनंदित रहे, उसका भी विकास हो, उसकी प्रगति हो और उसे खुशी मिले, उसमें भी बहुत अच्छाइयाँ हो सकती है, उस अच्छाइयों का विकास हो। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं। ज्यादातर लोग चार सेंटेंस का वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से वाक्य है कि त्रयस्थ व्यक्ति का विकास हो, त्रयस्थ व्यक्ति सुखी रहे, त्रयस्थ व्यक्ति आनंदित रहे, त्रयस्थ व्यक्ति की प्रगति हो, उसके जीवन में आनंद मिले। इस प्रकार से हम वाक्य कह सकते हैं, चार या पांच वाक्य है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं समझना कि इस वाक्यों का मन के ऊपर असर नहीं होता है, होता है, लेकिन हमें उसे महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप रोज इस प्रकार की ध्यान साधना करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा मन सकारात्मक विचार से, सोच से धीरे 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 विकसित हो रहा है। अभी यह हो गया तीसरा चरण। तीसरे चरण के बाद हमें चौथा चरण की शुरुआत करनी है। भाई और बहनों, अब समय हमारा समाप्त होते जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे के दो चरण बता के हम सीधा ध्यान साधना करने के लिए प्रयास करेंगे। तो जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण में हमें ऐसे व्यक्ति का चेहरा लेना है जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभी यहाँ पे हमारी जो मैत्री की सीमा है वह थोड़ी सी बड़ी करनी है। हमारी मैत्री ऐसे व्यक्ति के प्रति भी निर्माण करनी है कि जिस व्यक्ति को हम चाहते नहीं, जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हो सकता है कि हम उसके बारे में नकारात्मक सोचते होंगे, उसकी प्रगति ना हो, वो वैसा ही है, हम उसके बारे में गलत सोचते होंगे, नकारात्मक सोचते हैं और सोचते होंगे। लेकिन हम अगर उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, उसके बारे में निगेटिव सोचते हैं, तो निगेटिव सोचने का असर हमारे ऊपर ही होता है, उसके ऊपर इसका असर नहीं होता। निगेटिव सोचने के वजह से हमारे मन के ऊपर ही इसका असर होता है। तो भाई और बहनों, यहां हम सकारात्मक उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, क्योंकि हम हमारे मन को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरों को गाली गलौज करके, दूसरों के बारे में नकारात्मक निंदा नालस्ती करके हमें ही उसका असर हमारे ऊपर ही होता है, हमारा ही मन दुखी होता है, हमें ही दर्द मिलता है। तो यहाँ हम इस निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे मन में नकारात्मक सोच है उसे हम बदलने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन ऐसा अभ्यास है, ये थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि कठिन ऐसी पायरी है, चरण है, लेकिन हमने हमारे स्वयं के ऊपर मैत्री की होती है, हमारे दोस्त के ऊपर मैत्री की होती है, जो त्रयस्थ व्यक्ति होता है उसके प्रति हमारी मैत्री हमने विकसित की होती है, तो ये जो मैत्री का विकास हमने किया होता है तो हमारे में क्षमता निर्माण होती है कि मैं अभी मेरे शत्रु के प्रति भी मैत्री विकसित कर सकता हूँ, मेरा दुश्मन उसके ऊपर भी मैं मैत्री कर सकता हूँ, इतनी क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए इसे चौथे चरण में लिया जाता है। तो भलाई अपने दुश्मन का चेहरा, शत्रु का चेहरा, प्रसन्न चेहरा हमें दिखाई देता ना हो, या हम देखने का प्रयास नहीं करते होंगे, ऐसा भी हो सकता, लेकिन कम से कम उसका नाम ले सकते, जो भी है एक्स वाई जेड, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसके भी जीवन में आनंद मिले। इस प्रकार से हम वाक्य कहकर हमारे दुश्मन के ऊपर भी हम मैत्री का भाव विकसित करते हैं।
भाई और बहनों, अगर आपने इस चरण का अभ्यास अगर अच्छे से करते हैं तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में मैत्री का विकास किया है, ऐसा हो जाएगा। इसके पश्चात पांचवें चरण में हमें जाना है, तो पांचवें चरण में हमारे मैत्री की सीमा को और भी व्यापक करना है। तो पांचवें चरण में हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे चारों व्यक्तियों पे हमने मैत्री का भाव विकसित किया है, उन चारों के चेहरे हमारे मन पटल पर लेकर आना है। बहुत ही रोचक है यह पायरी, चारों के चेहरे, मतलब आपका चेहरा, आपके दोस्त का चेहरा, त्रयस्थ व्यक्ति का चेहरा और शत्रु का चेहरा, दुश्मन का चेहरा। चारों को आपको एक साथ देखना है और चारों एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंस के बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार से कल्पना करनी है। और एक दूसरों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा चारों को देखना है। मन पटल पर देख सकते हैं क्योंकि कल्पना शक्ति हमारे पास होती है और यह कल्पना शक्ति का इस्तेमाल हम ध्यान साधना में करते हैं और इस इमेजिनेशन से देखते हैं कि चारों सुखी रहे, चारों आनंदित रहे, चारों का विकास हो, चारों की भरभराहट हो, चारों के जीवन में आनंद निर्माण हो। या हम हमारा जो भेदाभेद है एक मनुष्य करके दूसरे मनुष्य के प्रति का, यहाँ भेद हम नष्ट करने का प्रयास कर रहे और मनुष्य करके सभी के साथ एक समान मैत्री का, सद्भावना का विकास करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम ये चारों व्यक्तियों को देखते हैं, उनके ऊपर हम मैत्री का विकास करके उसके पश्चात हम इस नागपुर शहर में रहने वाले, नहीं, नागपुर शहर में जाने के पहले, इसके पश्चात हम धीरे धीरे हमारे मैत्री की सीमा को बढ़ाते, पहले चारों लोगों पे एक साथ मैत्री करते, फिर हम हमारे परिवार के लोगों के ऊपर मैत्री करते, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोग सुखी हो, आनंदी हो, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, उनके जीवन में आनंद निर्माण हो। परिवार के अलावा मेरे इस एरिया में रहने वाले सभी लोग, जो भी क्षेत्र में आप रहते होंगे, वैशाली नगर में रहते होंगे या फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते होंगे, तो उस एरिया में रहने वाले सभी लोग सुखी रहे, आनंदी रहे, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, उनके जीवन में आनंद निर्माण हो। नागपुर शहर के सभी लोग सुखी हो, आनंदी हो। अभी हम ये भी विकास कर सकते, ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें कोरोना से वे बचे रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, इस प्रकार का भाव हम विकसित कर सकते हैं। नागपुर से लेके पूरे विदर्भ तक हमारा ये मैत्री का भाव लेके जा सकते हैं। महाराष्ट्र के सभी लोग सुखी हो रहे, आनंदित रहे, इस प्रकार का भाव निर्माण कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत देश के लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, इस प्रकार का भाव विकसित करते, फिर भारत देश में चाहे वो किसी भी धर्म के लोग रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, किसी भी धर्म के लोग रहे, किसी भी जाति के लोग रहे, चाहे वो अमीर रहे चाहे वो गरीब रहे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए सभी लोगों के प्रति हमारा मैत्री का भाव हम विकसित करने का प्रयास करते, बाद में देश से लेके पूरे आशिया खंड के लोग, फिर आशिया खंड में चाइना आता है, भला ही चाइना ने कोरोना निर्माण किया होगा ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति मैत्री का भाव विकसित करते हैं। थाईलैंड के लोग होंगे, श्रीलंका के लोग होंगे, आशिया खंड के पूरे लोग, फिर पूरे यूरोप खंड, अमेरिका खंड, वहां के लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, काले रहे, गोरे रहे, नाटे रहे, कैसे भी रहे, सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे। इस पृथ्वी तल पर, इस जगत में जितने भी लोग हैं उनके प्रति हम मैत्री का विकास करते हैं और उसके पश्चात हम
जितने भी सजीव प्राणी हैं, फिर वह जमीन पे रहने वाले सजीव प्राणी हैं, जंगली प्राणी हैं, फिर वो जो हम पालतू पालतू जानवर है, जंगली जानवर है, पालतू जानवर है, इनके ऊपर मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं, जीव जंतु के प्रति मैत्री का भाव विकसित कर सकते हैं, सांप सांप को देख सकते हैं, पानी में तैरने वाले लोग हैं, पानी में विचरण कर जलचर प्राणी हैं, उनके ऊपर हम मैत्री का भाव विकसित करते हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियां देख सकते हैं, आसमान में उड़ने वाले पंछी है, अलग अलग प्रकार के पंछी हम देख सकते हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव विकसित करते हैं, और अंत में सभी सजीव प्राणी, सजीव सृष्टि सुखी रहे, आनंदित रहे, उनकी प्रगति हो और उनके जीवन में आनंद प्राप्त हो, और उस प्रकार हम अपने आप को सूरज की तरह देखते हैं, जिस प्रकार के सूरज का प्रकाश सभी सजीव सृष्टि को समान रूप से प्रकाश दिलाती है, सभी सृष्टि को, सजीव प्राणियों को, सजीव सृष्टि को, जिस प्रकार से सूरज अपनी किरणें, अपना प्रकाश सभी को समान रूप से देती है, उसी प्रकार से मेरा भी मैत्री का भाव सभी सजीव सृष्टि प्राणी के प्रति एक जैसा है, एक समान है। और यहाँ तो आगे भी कहा गया है कि इस प्रकार से वैश्विक मैत्री का हम विकास करते हैं, यूनिवर्सल मेत्ता, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मेत्ता का हम विकास करते हैं, महामैत्री का हम विकास करते हैं, और यह महामैत्री हमारी सीमाएं इस परिमंडल में, इस अवकाश में, पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह है, उस ग्रह में रहने वाले भी सजीव प्राणियों के प्रति हमारा मैत्री का भाव विकसित करते हैं, और इस प्रकार से हमारी जागृति का हम अंतिम चरण जो होता है, सभी परिमंडल अवकाश में रहने वाले के प्रति मैत्री का भाव विकसित करते हैं, और वह है महामैत्री, महाकरुणा। और इस ध्यान साधना के माध्यम से इस प्रकार से महामैत्री, महाकरुणा का भाव जो भगवान बुद्ध का है, वह हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। भाइयों और बहनों, ये शब्द है, अगर इसका आप हमें अनुभव लेना है तो हमें उसका प्रत्यक्ष आचरण करना पड़ेगा। तो चलिए भाइयों और बहनों, तैयारी करते कि हम अभी ध्यान साधना के लिए बैठेंगे, तो आप समय ले सकते हैं 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और हम हमारी ध्यान साधना की शुरुआत करेंगे, और 20 से 25 मिनट तक हम ध्यान साधना करने वाले हैं, 5-5 मिनट का चरण होगा, और 5 मिनट के बाद मैं बेल बजाऊंगा, बेल का संकेत करूंगा, और हम हमारे चरण बदलते जाएंगे, और ऐसे 5 चरण में हम इस मैत्री का विकास करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? केवल 25 मिनट के लिए हमें बैठना है, आज हम किसी भी प्रकार का ब्रेक लेने वाले नहीं है बीच में, और 25 मिनट के बाद हम हमारे ध्यान साधना की कार्यशाला समाप्त करेंगे। तो आप अपना आसन तैयार कर लीजिए, आप अगर चेयर पर बैठे होंगे तो चेयर पे बैठ सकते हैं, अगर आप बेड पर बैठे होंगे तो 2-3 कुशन के ऊपर बैठ सकते हैं, ताकि आप आरामदायक स्थिति में बैठ सके। ध्यान साधना के लिए अपने आप को तैयार करें, किसी को पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं।
ध्यान साधना की तैयारी के लिए आसन, अपना आसन अच्छा होना जरूरी है। हमारी गर्दन सीधी है, हमारी पीठ सीधी है, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, पीठ की रीढ़ की हड्डी, जो है वो सीधी है, पीठ में किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं, गर्दन में झुकाव नहीं, बैठते वक्त शरीर पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, हमारा आसन तनाव रहित है। धीरे से आंखों की पलकें बंद करनी है। हमारे कंधे शिथिल है, तनाव रहित है। अगर मन में बाहर के विचार आ रहे होंगे तो उसे बाजू में रखना है और 25 मिनट तक मुझे मेत्ता भावना ध्यान साधना करनी है। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हम हमारे मन को देना है। मेत्ता भावना प्रथम चरण, हमारे मन पटल पर हमारा स्वयं का सुंदर ऐसा चेहरा हमारे मन पटल पर लेकर आना है। हमारी सुंदर ऐसी स्माइल देखना है, हमारा आनंदित चेहरा कल्पना शक्ति के माध्यम से देखना है, इमेजिनेशन इमेजिन करना है कि मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं आनंदित हूँ। और साथ ही साथ हमारा ध्यान श्वास के ऊपर होना जरूरी है। श्वास शरीर में भीतर प्रवेश कर रही है, शरीर से बाहर निकल रही है। श्वास के ऊपर अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो हमारा मन भटक सकता है। मैं क्या कह रहा हूं ये भी आपको नहीं समझेगा। भाई और बहनों, सभी लोग ध्यान साधना के लिए बैठी है। जो लोग ध्यान साधना के लिए नहीं बैठे हैं वे लोग कृपया अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। हमारा मन शांत कीजिए। इस कोरोना के लॉकडाउन में, इस कोरोना के संकट स्थिति में मन का सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग मुझे बचा सकती है, मेरे परिवार को बचा सकती है, पूरे जगत को बचा सकती है। यह सोच हमें निर्माण करनी है।
निगेटिव थिंकिंग हमें समस्याओं की ओर लेकर जाती है, दुख की ओर लेकर जाती है, हमें पीड़ा देती है। निगेटिव थिंकिंग से संकट का सामना हम नहीं कर सकते, कोरोना के संकट का सामना हम नहीं कर सकते, केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही मुझे इस संकट से बचा सकती है, हर समस्याओं से बचा सकती है। जगत को बचा सकती है, यह भाव निर्माण करना है। स्वयं के ऊपर मैत्री का भाव विकसित करना है। मैं सुखी हूं रहूं, मैं आनंदित रहूं, मेरा विकास हो, मेरी प्रगति हो। मेरे जीवन में आनंद निर्माण हो। इस प्रकार से मैत्री का भाव स्वयं के प्रति निर्माण करें। हमारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल निर्माण कीजिए। हमारा प्रसन्न चेहरा हमें खुशी दे रहा है। मित्रोदय, कृपया म्यूट करिए। मेत्ता भावना दूसरा चरण, शरीर के प्रति जागृति रखिए। अपने स्वयं के शरीर में जो वेदनाएं निर्माण हो रही है सुख की,
क्योंकि मेत्ता भावना करते वक्त मन में सुख की वेदनाएं निर्माण होती है। हम आनंद का अनुभव लेते हैं, उसके प्रति जागरूक होइए, उसे महसूस कीजिए। मेत्ता भावना दूसरा चरण। इस चरण में हमें हमारा प्रिय मित्र, उसका चेहरा, प्रसन्न चेहरा मन पटल पर लेकर आइए। महिलाओं ने महिला मित्र चुनना है, पुरुषों ने पुरुष मित्र चुनना है, और अपने मित्र के प्रति, दोस्त के प्रति मैत्री का भाव विकसित कीजिए। जो भी उसका नाम होगा वह नाम ले सकते हैं, सुखी रहे, आनंदित रहे, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसके भी जीवन में आनंद निर्माण हो और उसके ऊपर मैत्री करते वक्त हम अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, इसके प्रति महसूस कीजिए। मैं अधिक आनंदित हो रहा हूं दोस्त को, दोस्त का चेहरा देखकर। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, वो कोरोना के संकट से बचे, इस प्रकार का भाव निर्माण कर सकते हैं। हमारा मन अधिक प्रसन्न हो रहा है, मेत्ता भावना तीसरा चरण। इस चरण में हम न्यूट्रल व्यक्ति का चेहरा, ऐसा व्यक्ति जिसे हम कभी कभार देखते हैं, उसके प्रति इतना लगाव नहीं होता है, वह व्यक्ति चाय वाला हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, वह व्यक्ति दुकानदार हो सकता है। यहाँ पर भी महिलाओं ने महिलाओं को लेना है, पुरुषों ने पुरुषों को लेना है।
और त्रयस्थ व्यक्ति का चेहरा, न्यूट्रल व्यक्ति का चेहरा हमारे मन पटल पर लेकर आना है और ऐसे व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव विकसित करना है, जैसा मैं मेरा दोस्त सुखी रहे, आनंदित रहे ऐसा लगता है, उसी तरह से त्रयस्थ व्यक्ति भी सुखी रहे, आनंदित रहे, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसके भी जीवन में आनंद निर्माण हो, वो भी बीमारियों से बचे रहे, कोरोना के संकट से बचे रहे, इस प्रकार का मैत्री का भाव विकसित करें। फिर से हमारे मन को याद दीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच ही कोरोना संकट से इस जगत को बचा सकती है।
मेत्ता भावना, चौथा चरण। इस चरण में हमें हमारा दुश्मन, जिसे हम पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का चेहरा मन पटल पर लेकर आइए। उसके प्रति भी हमारे मन में जो नकारात्मक भाव है, उसे हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, सोचे ही हमें इस संकट से बचा सकती है। तो मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन, वह भी एक व्यक्ति है, वह भी एक मनुष्य है, उसे भी मेरे जैसा मन है। वह सुखी रहे, आनंदित रहे, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसके जीवन में आनंद निर्माण हो, वो भी बीमारियों से बचे रहे, कोरोना के संकट से बचे रहे। इस प्रकार का सकारात्मक भाव दुश्मन के प्रति निर्माण करना है। इससे हम हमारे मन की नकारात्मकता को कम करते हैं, उसे बदलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इस जगत को कोरोना के संकट से बचा सकती है।
मेत्ता भावना, अंतिम चरण पांचवा चरण। इस पांचवें चरण में हमारा सकारात्मक भाव, मैत्री का भाव, हम मैत्री की सीमा को और भी बढ़ाते हैं। इस पांचवें चरण में हमें चारों व्यक्तियों का चेहरा, चारों व्यक्तियों को एक साथ कल्पना शक्ति से देखना है। मेरा चेहरा स्वयं का, उसके पश्चात मेरे दोस्त का चेहरा, त्रयस्थ व्यक्ति का चेहरा, दुश्मन का चेहरा, चारों के प्रति समान मैत्री का भाव विकसित करें। चारों सुखी हो, चारों आनंदित रहे, चारों लोग प्रगति करें, चारों के जीवन में आनंद निर्माण हो, चारों के चारों लोग बीमारी से बचे, कोरोना के संकट से बचे, ऐसा मैत्री का भाव चारों के प्रति निर्माण करना है। साथ ही साथ मेरे परिवार के लोग, बच्चे, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, जितना भी अपना बड़ा परिवार है, कल्पना शक्ति से उस परिवार को देखने का प्रयास करें। और पूरे परिवार के प्रति मैत्री का भाव विकसित करें। वे सुखी रहे, वे आनंदित रहे, सभी बीमारियों से बचे, वे सभी लोग कोरोना के संकट से बचे, कोरोना के संसर्ग से बचे। ऐसा मैत्री का भाव विकसित करें। उसी प्रकार मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग, सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, सभी का विकास हो, सभी बीमारियों से बचे, कोरोना के संसर्ग से, संकट से सभी लोग बचे। उसी प्रकार नागपुर शहर के सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, कोरोना के संसर्ग से, कोरोना के संकट से बचे रहे, सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहे, उनके जीवन में आनंद निर्माण हो, मन का आनंद वे ले, विदर्भ के सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, वे भी बीमारी से बचे, कोरोना के संकट से बचे, महाराष्ट्र के लोग सुखी रहे, आनंदित रहे,
वे भी बीमारी से बचे, कोरोना के संकट से बचे। भारत देश के लोग, सभी राज्यों के लोग, केरल से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों के लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना के बीमारी से बचे। उसी प्रकार आशिया खंड के लोग, श्रीलंका है, थाईलैंड है, चाइना है, साउथ कोरिया है, अफगानिस्तान है, हमारा बाजू का पाकिस्तान है, वहां के भी सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे। वे भी कोरोना से, बीमारी से बचे, सभी बीमारियों से बचे। उसके अलावा सभी खंडों के लोग इस पृथ्वी पर के सभी खंड, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, मेक्सिको, सभी देशों के लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, सारे लोग, जगत के लोग बीमारी से बचे, संकट की बीमारी से, कोरोना की बीमारी से बचे, कोरोना के संकट से बचे। उस प्रकार सभी सजीव प्राणी सुखी रहे, आनंदित रहे, जमीन पर रेंगने वाले प्राणी, चलने वाले प्राणी, जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, सांप, पानी में तैरने वाले सभी प्रकार के जीव, आसमान में उड़ने वाले पंछी, सभी प्रकार के सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे। सभी की प्रगति हो, विकास हो, वे भी सभी बीमारियों से बचे, उसी प्रकार यह समान महामैत्री का भाव सभी सजीव सृष्टि के प्रति निर्माण करने का प्रयास करें। यही मैत्री, महामैत्री, महाकरुणा का भाव इस जगत को कोरोना के संकट से, सभी समस्याओं से बचा सकता है, ऐसा भाव निर्माण करिए। और हम अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, हम अधिक समाधानी हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। इस परिमंडल में, इस अवकाश में जहां भी जीव सृष्टि है,
वहां के भी सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, वे भी सभी समस्याओं से बचे, बीमारियों से बचे। और हम सूरज की तरह एक समान मैत्री का प्रकाश सभी सजीव प्राणियों को दे रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। और मन में इस सब्बे सत्ता सुखी होंतु का मैं जप करूंगा, आपको मन में करना है। सब्बे सत्ता सुखी होंतु का मतलब होता है कि सभी सत्ता सजीव प्राणी सुखी रहे, यह इसका अर्थ है। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सत्ता सुखी होंतु। यह हमारा मुक्ता भावना ध्यान साधना का सत्र समाप्त होता है। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने, आप सभी लोग इस ध्यान साधना में सम्मिलित हुए। हम सभी लोग इस प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग विकसित कर सकते हैं रोज घर में इसका आचरण करके, इसका अभ्यास करके। और याद रहे कि पॉजिटिव थिंकिंग ही इस जगत को कोरोना के संकट से बचा सकती है। तो अभी काफी समय हो चुका है, तो मैं गुजारिश करता हूँ मित्रोदय से कि वे आभार व्यक्त करें और धम्म पालन के साथ आज के ध्यान साधना कार्यशाला की समाप्ति करें। और कल हम 8 बजे फिर से इस ध्यान साधना कार्यशाला में सम्मिलित होंगे और कल का आखिरी दिन होगा। तो कल मैं आनापान सती और मेत्ता भावना दोनों ध्यान साधना का अभ्यास करने का हम प्रयास करेंगे और साथ ही साथ सवाल जवाब का सेशन होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल निर्माण हुए होंगे तो वे कृपया आप लिख कर रखें और कल हम सवाल जवाब का सेशन ले सकते हैं। या तो आप सवाल मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब मैं कल देने का प्रयास करूंगा। मित्रोदय जी, थैंक यू आर्य कृष्ण जी, आज का ध्यान आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही गहराई से लोगों को मैत्री भावना ध्यान समझाया है और बताया है कि सकारात्मक चित्त जो है वो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है और कितनी बड़ी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। और मैं साथ साथ जो है सभी अपने जो भाई बहन जुड़े हुए हैं इस कार्यशाला से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शांति से जो है आपको सुना है और ध्यान का सराव भी किया है,
बहुत ही गंभीरता के साथ में, जैसे आर्य केतु जी ने बताया कि अगर किसी का भी कोई भी सवाल है तो वो डायरेक्ट उनके मोबाइल पर आप भेज सकते हैं या खुद लिख कर रख सकते हैं, और कल जब सवाल जवाब का सेशन होगा तब आप उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, और रुकने से पहले मैं धम्मपालन गाथा का पठन करूँगा, तो आप सभी लोग जो हैं उसको ध्यान से सुन सकते हैं। सभी के माइक जो हैं वो म्यूट हैं। अगर किसी भाई को धम्मपालन गाथा आती है तो वो म्यूट रहते हुए ही वो बोल सकता है, अदरवाइज वो सुन सकता है। तो हम सभी लोग एक बार हाथ जोड़ेंगे। सब पापस करणं कुशलास उपसंपदा सचित परियोदकं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरेषु चरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपमंति सुतवानं धम्मं कायेन पश्यति तवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमस्तति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जयमंगलं नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जयमंगलं नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जयमंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।